हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लेयर्स ऑफ पेल्विस एंड पेरिनियम। उसमें हमने स्किन और सुपरफिशियल फेशिया को पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अगर मैं एक दफ़ा फटाफट को एक सा रिव्यू दे दूं कि हमने देखा था कि सुपरफिशियल फेशिया जो थी वो हमारे पास एब्डोमेन वाले रीजन में सुपरफिशियल फेशिया क्या कहलाती थी, दो लेयर्स में डिवाइडेड थी, एक फैटी और एक डीप मेम्ब्रेनस। फैटी वाली लेयर जो थी वो हमारे पास है ना, उसको हम कहते थे कैंपर्स फेशिया, और डीप मेम्ब्रेनस जो लेयर थी उसको हम कहते थे स्कारपास फेशिया। ठीक है, फिर फैटी वाली लेयर जो थी वो हमारे पास थाई में भी कंटिन्यू होती थी, उसके बाद फिर ये हमारे पास आगे पेनिस के ऊपर भी कंटिन्यू होती थी, साथ साथ में नीचे जो पेरिनियम वाले रीजन में जब ये आती थी तो ये है ना जो स्क्रॉटम होता है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाती थी एज डॉर्सल मसल। ठीक है, स्क्रॉटम में आने के साथ साथ वो कन्वर्ट हो जाती थी एज डॉर्सल मसल। ठीक है, फिर जो डीप मेम्ब्रेनस थी वो जब आती है डीप मेम्ब्रेनस तो वो हमारे पास क्या कहती है, पेरिनियम वाले रीजन में जब वो आती थी डीप मेम्ब्रेनस तो हम उसको क्या कहते थे, वो हमारे पास बन जाती थी कोलीस फेशिया। जब डीप मेम्ब्रेनस वाली लेयर हमारे पास पेरिनियम वाले रीजन में आती थी तो हम वो क्या बन जाती थी, कोलीस फेशिया। ठीक है, फिर कोलीस फेशिया जब वो है ना स्क्रॉटम के अंदर आ रही होती थी तो क्या होता था कि कोलीस फेशिया प्लस डार्टस मसल। डार्टस मसल कहाँ से आया था, डार्टस मसल कुछ भी नहीं था, बस जब सुपरफिशियल फैटी वाली जो लेयर थी, फैटी वाली लेयर जब स्क्रॉटम में आई तो क्या हो गया कि वो डार्टस मसल में कन्वर्ट हो गई। स्नेल में इसकी बहुत अच्छी तस्वीर है, अगर मैं इसको हल्का सा यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दूँ, हमने यहाँ लिखा कि ये फैटी वाली लेयर जब है ना स्क्रॉटम में आई तो वो क्या हो गई, वो हमारे पास कन्वर्ट हो गई इन है ना डार्टस मसल। फिर जब ये है ना हमारे पास डीप मेम्ब्रेनस पेरिनियम वाले रीजन में आई तो हमने उसको कोलीस फेशिया बोल दिया। ठीक है, अब ये जो कोलीस फेशिया जो थी, कोलीस फेशिया और डार्टस मसल ये दोनों मिलके हमारे पास एक टर्म दे गए, उस टर्म को हमने क्या कह दिया, डार्टस फेशिया। ठीक हो गया, डार्टस फेशिया जो थी वो हमने एक टर्म दे दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि डार्टस फेशिया पूरे के पूरे डार्टस फेशिया जो था वो पूरे का पूरा हमारे पास पेनिस को, स्क्रॉटम वगैरह को, सबको सराउंड कर लेता था। फिर डार्टस फेशिया जो है वो पोस्टीरियरली क्या होता था कि वो ख़त्म हो जाती थी, और फिर वो दोनों लेयर्स डार्टस फेशिया जो थी वो दोनों लेयर्स से क्या होता था, दोनों लेयर्स में डिवाइड हो जाती थी। डार्टस फेशिया पोस्टीरियरली दोनों लेयर्स में डिवाइड हो जाती थी, एक लेयर जिसको हम बोलेंगे वही सुपरफिशियल फैटी, और दूसरी लेयर जिसको हम क्या बोलेंगे, कोलीस फेशिया। कोलीस फेशिया क्या होती है कि वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाती है यहाँ तक पेरिनियल बॉडी तक, कोलीस फेशिया कंटिन्यू होती है पेरिनियम वाले पार्ट में यानी यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में, और एंड हो जाती है पोस्टीरियरली विद पेरिनियल बॉडी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये एक पेरिनियम का मसल है जिसको हम कहते हैं डीप ट्रांसवर्सलिस। ठीक है, इसके ऊपर एक मैंने बताया था कि ना सिर्फ खाली यहाँ पे यूरोजेनाइटल वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या होती है कि एक है ना फैट वो होती है, फाइबरस शीट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। अगर मैं एक सेकेंड आप लोग रुको तो मैं आप लोग को दिखाऊँ पेरिनियल मेम्ब्रेन होती कैसे। ये है ना इसमें मेल जेंडर में नहीं है इस 3D वाली एप्लीकेशन में, लेकिन ये 3D वाले के अंदर उसमें फीमेल में है। तो ये देखो, ये ऐसी होती है पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो आपको पेरिनियल मेम्ब्रेन दिख रही है ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है। ये पेरिनियल मेम्ब्रेन किसके ऊपर है, उस डीप ट्रांसवर्सलिस के ऊपर। तो हमारे पास जब ये जो कोलीस फेशिया आएगी, ठीक है, कोलीस फेशिया जो है फीमेल के अंदर भी वही कोलीस फेशिया आ जाती है। ठीक है, फीमेल के अंदर ये डार्टस फेशिया वगैरह का चक्कर होता ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर स्क्रॉटम होता ही नहीं है। तो जब फीमेल का जो आती है, फीमेल की एज इट इज़ ऊपर से कोलीस फेशिया आ रही है, ठीक है, एज इट इज़ कोलीस फेशिया ऊपर से आ रही है, वो यहाँ पे हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर रन करेगी, और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है पेरिनियल बॉडी के साथ आके फ्यूज़ हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास कोलीस फेशिया रुक जाती है। लेकिन सुपरफिशियल फैटी वाली जो लेयर है वो क्या करेगी, वो अलॉन्ग है ना कोलीस फेशिया के ऊपर होगी, लेकिन साथ साथ में वो हमारे पास इस पेरिनियल बॉडी पे फ्यूज़ नहीं होगी, वो हमारे पास एनल ट्रायंगल के ऊपर भी कंटिन्यू हो जाएगी। वो हमारे पास कहाँ कंटिन्यू हो जाएगी, इस एनल ट्रायंगल के ऊपर भी, और एनल ट्रायंगल वाले रीजन के अंदर ही क्या बना देगी, एक फैटी पार्ट बना देगी। फैटी पार्ट बना देगी जिसको हम कहते हैं इस्टियो रेक्टल फोसा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस्टियो रेक्टल फोसा क्या है, ये हमारे पास फैटी जो हमारे पास वो होती है, जो फैटी लेयर जो होती है वो हमारे पास जब इस्टियो जो फैटी लेयर जो होती है जब वो एनल ट्रायंगल के ऊपर कंटिन्यू होती है तो वो अपना फैट सारा डिपॉजिट करा देती है। ठीक है, इस्टियो रेक्टल फोसा क्या है, वो हमारे पास फैटी कंपार्टमेंट किसका, सुपरफिशियल फैटी लेयर का, अबव द एनल ट्रायंगल। एनल ट्रायंगल के ऊपर जो हमारे पास जितना भी फैट जमा हो जाएगा जो कि सुपरफिशियल फैटी का है,
ठीक है, एनल ट्रायंगल के ऊपर जितना भी फैट जमा हो रहा है जो कि किसका है, है ना, हमारे पास सुपरफिशियल फैटी क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस्टियो एनल फोसा या इस्टियो रेक्टल फोसा, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम हमें लेयर्स को डिस्कस करना है, अब हमें किसको डेयर करना है, उसके बाद की जो लेयर्स आती हैं, तो इसके लिए मैंने ये जहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड में फटाफट बस इसको हाइड कर दूँ सबको, अब हमें उसके बाद जो लेयर्स देखनी है वो कौन सी लेयर्स देखनी है, उसके बाद हमें डिस्कस करना है पेल्विक फेशिया को। अब सवाल ये कि ये पेल्विक फेशिया किस मुसीबत है, ये कौन सी मुसीबत है, तो हमें पता है अगर हम जनरल वापस आएँ, स्किन आती है, सुपरफिशियल फेशिया आती है, सुपरफिशियल फेशिया के बाद हमें पता क्या आती है, डीप फेशिया। डीप फेशिया क्या होती है, डीप फेशिया जो कि मसल्स को सराउंड कर रही होती है, किसको सराउंड कर रही होती है, मसल्स को सराउंड कर रही होती है, लाइक एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को सराउंड कर रही होगी, उसके बाद फिर कौन सी डीप फेशिया आएगी जो कि इंटरनल ऑब्लिक को सराउंड कर रही होगी, फिर कौन सी डीप फेशिया आएगी, फिर जो कि हमारे पास है ना ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो मसल होता है उसको सराउंड कर रही होगी, और जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को सराउंड कर रही होती है डीप फेशिया, उसको हम क्या कहते हैं, फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। जो डीप फेशिया हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को सराउंड कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, फेशिया ट्रांसवर्सलिस। तो ये जो फेशिया ट्रांसवर्सलिस जो है, ये जो फेशिया ट्रांसवर्सलिस जो है उसको हम एंडो एब्डोमिनल फेशिया भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंडो एब्डोमिनल फेशिया। अब ये एंडो एब्डोमिनल फेशिया पेल्विक फेशिया थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, मैं बताता हूँ। एंडो एब्डोमिनल फेशिया हर उस फेशिया को कहते हैं जो कि हमारे पास है ना मसल्स को सराउंड कर रही हो, लाइक हमारे पास है ना फेशिया ट्रांसवर्सलिस हो गई, फिर जो इलियम वाले रीजन में आते हैं, ठीक है, यानी कि पेल्विस वाले रीजन में आते हैं, पेल्विस वाले रीजन में हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं अब ये लेयर्स हटा रहा हूँ, एक्सटर्नल ऑब्लिक हटाया, ठीक है, फिर ये हमारे पास ये रेक्टस शीट वगैरह सब हटी, ये हमारे पास हटा इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस। अब इसके एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर भी क्या होगी, फेशिया ट्रांसवर्सलिस, इसको पीछे से भी रैप किया होगा किसमें, फेशिया ट्रांसवर्सलिस में। अब आप ये देखो कि ये जो ट्रांसवर्सलिस ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस मसल है ये हमारे पास पेल्विस रीजन में भी आ रहा है, ठीक हो गया, तो इसकी फेशिया भी पेल्विस रीजन में आएगी। तो जब इसकी फेशिया पेल्विस रीजन में आती है तो ये किसको सराउंड कर लेती है, इस इलियकस मसल को सराउंड कर लेती है, किसको सराउंड कर लेती है, इलियकस मसल को सराउंड कर लेती है, ठीक है। तो एंडो एब्डोमिनल फेशिया जो कि क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस, अब जब वो हमारे पास इस पेल्विस वाले रीजन में आती है तो किसको सराउंड कर लेती है, इलियकस मसल को, और पीछे ये जो अगर ये जो मैं रेक्टम को पार्ट हटाऊँ तो ये आप देखोगे ये वाला जो मसल है, हमें पता है ये क्या है, सॉस मेजर मसल है। अगर मैं इसको हल्का सा हटा दूँ, ये जो डिसेंडिंग कॉलोन है, अगर मैं इसको हल्का सा हटा दूँ तो हमें नज़र आ जाएगी ये क्या है, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस सॉस मेजर मसल। तो फेशिया ट्रांसवर्सलिस क्या करती है, इसको भी सराउंड कर लेती है, इसको भी सराउंड कर लेती है। अब जब ये पेल्विस वाले रीजन में आती है, जब ये हमारे पास पेल्विस वाले रीजन में आती है तो क्या होता है कि ये हमारे पास पेल्विक फेशिया बन जाएगी, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पेल्विक फेशिया। लेकिन अब ये जो इसको अच्छा इस पेल्विक फेशिया को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूशन ऑफ एंडो एब्डोमिनल फेशिया। अब जब ये पेल्विक वाले रीजन में आ जाती है, किस रीजन में आ गई, पेल्विक वाले रीजन में आ गई, फेशिया ट्रांसवर्सलिस या एंडो एब्डोमिनल फेशिया जब हमारे पास कहाँ पर आ गई, पेल्विस वाले रीजन में आ गई, फिर थोड़ा सा खेल जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है, फिर थोड़ा सा खेल क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब वो कैसे होता है कि हमें पता है कि एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर फेशिया ट्रांसवर्सलिस के पीछे, फेशिया ट्रांसवर्सलिस के पीछे क्या होता है, वो हमें पता है कि भाई एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होता है, वो हमें पता है क्या होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। अब थोड़ा सा है ना बच्चा कॉन्सेंट्रेट करना, हमें पता है कि फेशिया ट्रांसवर्सलिस के पीछे हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। अब ये हमारे पास पूरी फेशिया ट्रांसवर्सलिस आ रही है, अब ये आ गई पेल्विस वाले रीजन में, ये कहाँ पर आ गई, पेल्विस वाले रीजन में। हमें पता है कि एब्डोमेन वाले रीजन में इस फेशिया के पीछे क्या होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। अब जब ये पेल्विस वाले रीजन में आई तो उसके पीछे भी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होना चाहिए, तो मेरा भाई होता यही है, लेकिन थोड़ा सा एक कहानी में यहाँ पर क्या आएगा, ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट क्या है कि जब ये यहाँ पर आ गई तो ये खुद दो लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी, ये किस लेयर में डिवाइड हो गई, दो लेयर में, जब ये पेल्विस वाले रीजन में आ गई, और फिर इस दो लेयर के दरमियान में वो जो इसके पीछे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट चल रहा था ना वो आ जाएगा,
समझ में आया। ये देखो, ये एक्स्ट्रा, ये हमारे पास क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस है, ठीक है। इसके पीछे हमें पता है ये जो मेरा दूसरा ब्लैक मार्कर है वो क्या, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है। अब जब ये हमारे पास पेल्विस रीजन में आई तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दो लेयर में डिवाइड हो जाएगी, एक लेयर ऐसे और दूसरी लेयर ऐसे, ठीक है। पहले क्या था, एक लेयर थी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट पीछे था। अब जब ये हमारे पास पेल्विस वाले रीजन में आ गए, हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सलिस जो है वो पेल्विस वाले रीजन में आ गई, तो वो क्या हो गई, दो लेयर्स में डिवाइड हो गई, एक जो कि समहाउ मीडियल है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के और एक जो कि समहाउ लेटरल है किसके, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के। तो जो लेटरल है, जो लेटरल है किसके, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के, उसको हम बोलते हैं पराइटल लेयर। उसको हम क्या कहते हैं, पराइटल लेयर। पराइटल लेयर क्या है, कुछ भी नहीं है, पेल्विक फेशिया है, ठीक है, पेल्विक फेशिया की लेटरल वाली लेयर है। और आसान भाषा में समझाने के लिए वो ये है कि जो फेशिया ट्रांसवर्सलिस हमारे पास पेल्विस वाले रीजन में आई है उसका लेटरल कंपोनेंट जो कि क्या करेगा, जो कि मेरे भाई एच जे करेगा कि ये हमारे पास, सॉरी सीका मैं इसको हटाऊं क्योंकि इसके पीछे हमारे पास वो आएगी, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस, इलियकस मसल के ऊपर भी फेशिया ट्रांसवर्सलिस चल रही होगी, इसके ऊपर भी चल रही होगी, ठीक है। अब जब ये इस पेल्विस वाले रीजन में आएगी, ठीक है, किसके, किस रीजन में आई, एक सेकंड, पेल्विस वाले रीजन में जब ये आई, ठीक है, तो ये क्या करेगी, दो लेयर्स में डिवाइड हो गई, एक वो लेयर जो कि हमारे पास जो पेल्विक डायफ्राम वाला मसल होता है, इसको मैं थोड़ा सा ना ईजी वाला पोर्शन खोल देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, ये देखो। अब ये हमारे पास दो लेयर्स में डिवाइड हो गई थी, इसको मैं ऐसे, ये दो लेयर्स में क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी, एक जो कि मसल्स को सराउंड करेगा और दूसरा जो कि विजरा को सराउंड करेगा, ठीक है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, ठीक है। अब ये जो दो लेयर्स हैं, एक लेयर ये देखो जो कि मसल्स के ऊपर सराउंड हुआ हुआ है, ये सॉस मेजर मसल दिखाया हुआ है, इसके ऊपर सराउंड हुआ हुआ है, ये आपको एक मसल यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये दिख रहा है मसल, ये मसल, ये रहा, इसके ऊपर भी एक शीट चढ़ी हुई है, ठीक है, सॉस मेजर के ऊपर भी शीट चढ़ी हुई है। और अगर हम दूसरे वो देखें, ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, मेरे को तस्वीर मैंने निकाल के रखी थी, कहाँ मिस हो गई यार, खैर है, कोई मसला नहीं है, एक सेकंड मैं बना देता हूँ दोबारा, हम तो पॉज करते हैं, चलो इसमें पॉज का मसला नहीं है, रुक छोड़। मैं इस पे से आपको दोबारा ये चीज़ समझाता हूँ कि अगर आप देखो कि फेशिया ट्रांसवर्सलिस एब्डोमेन से आ रही है, ठीक है, फिर जब फेशिया ट्रांसवर्सलिस जो है वो एब्डोमेन से आएगी पेल्विस वाले रीजन में, ठीक है, पेल्विस वाले रीजन में आने के बाद क्या करेगी, सबसे पहले ये क्या है, सॉस मेजर, तो सॉस मेजर को सराउंड कर लेगी, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, इलियकस, इलियकस को सराउंड कर लेगी, उसके बाद फिर ये रन करेगी ओवर द पेल्विक ब्रिम, इसके ऊपर रन करेगी ओवर द पेल्विक ब्रिम, हमको थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना क्योंकि अभी हम क्या बना रहे हैं कि है ना ये पेल्विक फेशिया, और ये चीज़ याद है ना कि पेल्विक फेशिया क्या है, कंटिन्यूशन ऑफ एंडो एब्डोमिनल फेशिया, एंडो एब्डोमिनल फेशिया क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस। अब जब फेशिया ट्रांसवर्सलिस हमारे पास पेल्विस वाले रीजन में आती है तो मैंने बताया कि ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस है, ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, ये एब्डोमिन वाला पार्ट है, अभी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एब्डोमिन वाला पार्ट, फेशिया ट्रांसवर्सलिस, इसके पीछे क्या है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। अब जब हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटो, ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस पेल्विस वाले रीजन में आ गई तो क्या होगा कि ये हमारे पास दो के अंदर डिवाइड हो जाएगी, किसके अंदर डिवाइड हो जाएगी, दो लेयर्स के अंदर, एक जो कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के लेटरल पे हो जाएगी और एक जो कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के मीडियली हो जाएगी। अगर हम कंसीडर करें दोबारा, ये देखो, अब इसके ऊपर आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, बिल्कुल कंसंट्रेशन रखना कि ये क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ये क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस, इसके पीछे बिल्कुल क्या है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। अब जब यही चीज़ पेरिनियम वाले रीजन, पेल्विस वाले रीजन में आती है तो थोड़ा सा केस मुख्तलिफ हो जाता है, वो ऐसे होता है कि फेशिया ट्रांसवर्सलिस जो है वो हमारे पास
इन पहले मसल्स को कवर अप कर लेती है, जिसको कहते हैं इलियकस सॉस मेजर। जब वो ट्रू पेल्विस के अंदर आ रही होती है तो ये दो के अंदर डिवाइड हो जाती है। ट्रू पेल्विस में आ रही होती है तो किस में डिवाइड हो जाएगी, दो के अंदर, एक जो कि लेटरली चली जाएगी और एक जो कि मीडियली चली जाएगी। मीडियल और लेटरल किसके मतलब रेफरेंस से, रेफरेंस पॉइंट क्या है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के लेटरली, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के मीडियली। ठीक है, लेटरली हमारे पास कहाँ पर आ जाएगी, ये जो मसल्स हैं आपको जो मसल्स दिख रहे हैं ये ऑब्टूरेटर इंटरनस, फिर ये जो आपको जितना भी ये जो मसल्स दिख रहे हैं इसको, इस पूरे मसल को हम कहते हैं पेल्विक डायफ्राम। आप अभी खाली क्योंकि मैंने पेल्विक डायफ्राम बताया नहीं है, क्योंकि वो पेल्विक डायफ्राम इस टॉपिक के बाद सारे आएंगे ना, तो आप बस ये दिमाग में याद रखो कि जो पैराइटल वाली लेयर है, जो कि लेटरल वाली लेयर है, वो क्या करेगी, वो मसल्स को सराउंड कर लेगी। किसको सराउंड करेगी, मसल्स को सराउंड करेगी। सबसे पहले किसको सराउंड करेगी, जैसे ये लेयर ओवर द पेल्विक ब्रिम आई, पेल्विक ब्रिम से जब हमारे पास नीचे जाएगी तो ये हमारे पास किसको सराउंड करेगी, ऑब्टूरेटर इंटरनस को। ऑब्टूरेटर इंटरनस के बाद फिर पेल्विक डायफ्राम के मसल्स को, ठीक है, पेल्विक डायफ्राम आप याद रख लो, उसके मसल्स को ऊपर से इनके पीछे भी सराउंड कर लेगी। ठीक हो गया, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल पेल्विक डायफ्राम फिशा। डायफ्राम को सराउंड कर रही है ना, पेल्विक डायफ्राम को सराउंड कर रही है, तो अब ये पैराइटल वाली लेयर का नाम क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल पेल्विक डायफ्रामिक फिशा। ऑब्टूरेटर इंटरनस को सराउंड कर रही है तो इसको हम क्या नाम देंगे, ऑब्टूरेटर फिशा। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक में ये नहीं बताता, यहाँ पर मेरा ये सारा लेयर्स और इन सारी टॉपिक को लेकर आने का मकसद ये है कि बेसिक में पहले चीज़ें समझ में आए, लेयर्स बाय लेयर्स हमें ना पेल्विस पेरिनियम में आते रहेंगे। ठीक है, ऑब्टूरेटर फेशिया, पेल्विक डायफ्रामेटिक फेशिया। अब ऑब्टूरेटर फेशिया जो है वो क्या होती है कि जो इसके जो मीडियल एस्पेक्ट जो दिख रहा है आपको, ये है मीडियल एस्पेक्ट, मेरा माउस के एरो पे फोकस रखना, ये क्या है, ये आपका आता है मीडियल एस्पेक्ट और ये जो जाता है लेटरल एस्पेक्ट। ठीक है, तो जो मीडियल एस्पेक्ट जो है ये हमारे पास थिकेंड हो जाता है, मीडियल एस्पेक्ट क्या हो जाता है, थिकेंड हो जाता है और हमारे पास एक ऑब्टूरेटर आर्च बना लेता है, या आर्च ऑफ लिवेटर एनआई भी कहते हैं, आर्च ऑफ लिवेटर एनआई। ठीक है, इस आर्च ऑफ लिवेटर एनआई क्या है, ये इट इज एक्चुअली द थिकनिंग ऑफ ऑब्टूरेटर फेशिया। आर्च ऑफ लिवेटर एनआई क्या है, इट इज द थिकनिंग ऑफ ऑब्टूरेटर फेशिया। लिवेटर एनआई क्या है, ये पेल्विक डायफ्राम का मसल है। लिवेटर एनआई क्या है, पेल्विक डायफ्राम का मसल है। सो आर्च ऑफ ऑब्टूरेटर फेशिया या आर्च ऑफ लिवेटर एनआई ये क्या है, थिकनिंग ऑफ ऑब्टूरेटर फेशिया ओवर इट्स मीडियल मार्जिन। ठीक है, आर्च ऑफ लिवेटर एनआई वापस याद रखो क्या है, इट इज द थिकनिंग ऑफ ऑब्टूरेटर फेशिया ऑन इट्स मीडियल मार्जिन। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है, एक मसल अराइज होता है जो कि एंटीरियर है किसके, ऑब्टूरेटर इंटरनस के। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या अराइज होता है, मसल अराइज होता है जो कि एंटीरियर है किसके, ऑब्टूरेटर इंटरनस के, जिसको हम कहते हैं लिवेटर एनआई। ठीक है, तो लिवेटर एनआई ओरिजिन लेता है इस आर्च ऑफ टेंडनस, आर्च ऑफ लिवेटर एनआई से। ठीक है, जो कि क्या है, थिकनिंग ऑफ ऑब्टूरेटर फेशिया। ठीक हो गया, अब जो विजरल लेयर जो है, कौन सी लेयर, विजरल लेयर। ठीक है, अब विजरल लेयर कौन सी है, मीडियल लेयर। ठीक है, अब विजरल लेयर कौन सी है, मीडियल लेयर। ठीक है, मीडियल लेयर कौन सी वाली, पेल्विक फेशिया की मीडियल लेयर। विजरल लेयर क्या है, पेल्विक फेशिया की मीडियल लेयर। अब ये जो विजरल लेयर है वो क्या करेगी, वो हमारे पास इस सारे के सारे जितने भी पेल्विक कैविटी के अंदर पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको सराउंड करेगी, जितने भी पेल्विक कैविटी के पेल्विक ऑर्गन्स हैं उन सब के ऊपर चिपक जाएगी, उन सब के ऊपर बिल्कुल चिपक जाएगी, जैसे हम कहते हैं कि ना विजरल पेरिटोनियम चिपक जाती है, इसी तरीके से जो विजरल लेयर जो है, विजरल पेल्विक फेशिया, ठीक है, जो कि क्या है, मीडियल लेयर है, वो क्या करेगी, इन सब के ऊपर चिपक जाएगी, इन सब के ऊपर बिल्कुल एडहर हो जाएगी, बिल्कुल अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब इन दो लेयर के दरमियान में, इन दो लेयर्स के दरमियान में हमारे पास क्या आएगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। हम एब्डोमेन के अंदर कैसे देखते आते हैं इस एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट को, भाई पूरा वो फैटी होता है, उसके अंदर फैट भरा हुआ होता है, लेकिन मेरे भाई पेल्विस के अंदर ऐसा केस नहीं, इसके अंदर ऐसा केस नहीं है, पेल्विस में ऐसा केस नहीं है। पेल्विस में फिर क्या चक्कर है, पेल्विस में ये चक्कर है कि ये जो हमारे पास है ना एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, उसको हम कहते हैं एंडो पेल्विक फेशिया, उसको हम क्या कहते हैं, एंडो पेल्विक फेशिया। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट इन द पेल्विस इज नोन एज एंडो पेल्विक फेशिया। एंडो पेल्विक फेशिया मैंने इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये रहा, ये पैराइटल लेयर सराउंड द मसल,
विजरल लेयर सराउंड्स विजरा, बिटवीन देम इज एंडोपेल्विक फिशा। और ये एंडोपेल्विक फिशा है क्या चीज़? इट इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। अब एंडोपेल्विक फिशा को हमें एंटीरियरली भी देखना है, पोस्टीरियरली भी देखना है, ठीक है। एंटीरियरली क्या होता है कि जब ये एंडोपेल्विक फिशा एंटीरियरली आ रहा होता है तो बिल्कुल लूज कनेक्टिव होता है, बिल्कुल लूज और है ना लूज कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर होता है। तो अब यहाँ पे फोकस करना, ये क्या हो गई, यहाँ पर पैराइटल लेयर होगी, यहाँ पर क्या होगी पैराइटल लेयर, यहाँ पर क्या होगी पैराइटल लेयर, ठीक है। और ये जो ब्लैडर के ऊपर जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, विजरल लेयर, सॉरी यार एक सेकंड ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है, इसके ऊपर ब्लैडर के ऊपर कौन सी लेयर होगी, विजरल लेयर। सराउंडिंग में जो मसल्स हैं उधर हमारे पास कौन सी लेयर होगी, पैराइटल लेयर। सराउंडिंग मसल्स में कौन सी लेयर होगी, सराउंडिंग मसल है, इसके ऊपर कौन सी लेयर होगी, पैराइटल लेयर। ब्लैडर की साइड में, ब्लैडर के ऊपर और ब्लैडर के मार्जिन में कौन सी लेयर होगी, विजरल लेयर। तो विजरल लेयर और पैराइटल लेयर के दरमियान में हमें पता है कि लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एंडोपेल्विक फेशिया, ठीक है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। अब हम पेल्विस के अंदर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट का जिक्र नहीं करेंगे, पेल्विस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, एंडोपेल्विक फेशिया, ठीक है। अब यहाँ पर एंटीरियरली, एंटीरियरली हमारे पास ब्लैडर और ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है इसके दरमियान में खाली गैप आएगा। थोड़ा समझा इसके ऊपर फोकस करो, ये देखो गैप नज़र आ रहा, मेरे माउस का एरो यहाँ पर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक तस्वीर भी दिखाऊंगा, ये ब्लैडर है, ये प्यूबिस है, इन दोनों के दरमियान में आपको खाली गैप नज़र आएगा। अब इस खाली गैप का मतलब क्या है कि भाई विजरल लेयर ने तो ब्लैडर को सराउंड किया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजरल लेयर ने ब्लैडर को सराउंड किया हुआ है और प्यूबिस और प्यूबिक सिम्फाइसिस की साइड पे या मार्जिन पे हमारे पास पैराइटल लेयर होगी। तो बिटवीन विजरल एंड पैराइटल लेयर इज लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू वाकई में ही बहुत लूज होता है, बहुत ज़्यादा लूज होता है, एक स्पेस बन जाती है। तो अब इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, रेट्रो वजाइकल स्पेस, रेट्रो वजाइकल स्पेस। वजाइकल क्यों, ब्लैडर को वजाइकल कहते हैं, रेट्रो बाहर है, रेट्रो उसके क्या कहते हैं, ब्लैडर के बाहर है तो उसको हमने बोल दिया रेट्रो, या प्री वजाइकल स्पेस, प्री वजाइकल स्पेस बोलो, रेट्रो वजाइकल स्पेस बोलो, ये क्या है, इट इज एंटीरियरली एंडोपेल्विक फेशिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, या अब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बन चुका है। इसीलिए इसी तरीके से सिमिलरली क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है रेक्टम, अभी इसमें शो नहीं हुआ हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, रेक्टम मौजूद होता है। तो रेक्टम के पोस्टीरियर मार्जिन एंटीरियर मार्जिन के सर के ऊपर कौन सी लेयर होगी, विजरल पेल्विक फिशा, विजरल पेल्विक फिशा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पेरिटोनियम पे अभी मैं आया नहीं, पेरिटोनियम का मैंने जिक्र ही नहीं किया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। विजरल पेल्विक फिशा क्या होगी, बिल्कुल इंफीरियर लोअर मार्जिन के ऊपर हमारे पास एंटीरियरली भी रेक्टम को सराउंड किया होगा, पोस्टीरियरली भी रेक्टम को सराउंड किया होगा। कहाँ पर होगी, ये फीमेल का मैंने पेल्विस दिखाया, ये यूट्रस है, यूट्रस के बिल्कुल पीछे, यूट्रस के बिल्कुल पीछे हमारे पास क्या होता है, रेक्टम होता है, ठीक हो गया। तो रेक्टम के है ना लोअर एंटीरियर पोस्टीरियर साइड वाइड सब के ऊपर कौन सी लेयर होगी, विजरल पेल्विक फिशा, ठीक है। अब चूंकि इसके इर्द गिर्द हमारे पास मसल है, ये मसल आ गया, कॉक्सिजिस मसल आ गया, तो पैराइटल पेल्विक फिशा पीछे तक भी जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कॉकेक्स और सैक्रम तक, ठीक है। तो कॉकेक्स और सैक्रम की एंडिंग वहाँ पर पैराइटल की होगी, ठीक है। और रेक्टम के ऊपर हमारे पास क्या है, ये सारी विजरल लेयर चढ़ी हुई है। तो बिटवीन रेक्टम एंड कॉकेक्स एंड सैक्रम, ठीक है, बिटवीन रेक्टम और उसके पीछे क्या है, बोनी मार्जिन क्या है, कॉकेक्स और सैक्रम, तो इन दोनों के दरमियान में भी एक स्पेस बनेगा जहाँ पे लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो उस लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू को पोस्टीरियरली हम कहते हैं रेट्रो रेक्टल, ठीक है, रेट्रो रेक्टल स्पेस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रो रेक्टल स्पेस। रेट्रो रेक्टल स्पेस क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इट इज़ द स्पेस वेयर लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज़ प्रेजेंट। दूसरी आसान भाषा में हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द स्पेस पोस्टीरियरली बिटवीन पैराइटल पेल्विक फेशिया कवरिंग द पोस्टीरियर मसल्स ऑफ पेल्विक डायफ्राम लाइक लिवेटर रहना है, ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर मसल ऑफ पेल्विक कैविटी कॉक्सिजियस पायरीफॉर्मस, ठीक है, और
ये तो पराइटल लेयर कवर कर रही है, ठीक है, विजरल लेयर किसको कवर कर रही थी, रेक्टम। सो इट इज द जो हमारे पास ये जो रेट्रो रेक्टल स्पेस है, इसकी आसान भाषा में क्या डेफिनेशन बन जाएगी, इट इज़ द स्पेस पोस्टीरियरली बिटवीन पैराइटल पेल्विक फेशिया विच इज़ कवरिंग कॉक्सीजियस एंड पायरिफॉर्मस मसल एंड विजरल पेल्विक फेशिया विच इज़ सराउंडिंग रेक्टम। तो रेक्टम और जो है ना हमारे पास पैराइटल पेल्विक फेशिया जो कि मसल्स को कवर अप कर रही है, इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्री सैक्रल स्पेस भी कह सकते हैं, क्योंकि सैक्रम से पहले, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, रेट्रो रेक्टल स्पेस भी कह सकते हैं क्योंकि रेट्रम के पीछे, ठीक है। तो ये यहाँ पर लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल ही लूज होता है, लेकिन बाकी जितना भी लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये विजरल लेयर, ये पैराइटल लेयर, यहाँ से लेके यहाँ तक में जितना भी लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा ये एक शीट बनाएगा, क्या बनाएगा, शीट बनाएगा। उस शीट को हम क्या कहते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक शीट। ये चीज़ याद रखना कि हाइपोगैस्ट्रिक शीट क्या है, कि वो शीट जो कि हमारे पास एंडोपेल्विक फेशिया बनाती है ऑन द लेटरल मार्जिन्स ऑफ पेल्विक कैविटी, ठीक है, लेटरल मार्जिन्स ऑफ पेल्विक कैविटी के अंदर हमारे पास एंडोपेल्विक फेशिया क्या कर लेती है, हाइपोगैस्ट्रिक शीट बना लेती है। एंडोपेल्विक फेशिया एंटीरियरली बिल्कुल लूज है, पोस्टीरियरली भी लूज है, लेकिन बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सख्त हो जाती है, और वो सख्त होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिगामेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वापस कॉन्सेप्ट को दोबारा बनाओ कि एंटीरियरली बहुत ज़्यादा लूज है, एंडोपेल्विक फेशिया एंटीरियरली बहुत ज़्यादा लूज है, पोस्टीरियरली बहुत ज़्यादा लूज है, तो इसका क्या मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से उंगली डालूं और पीछे से उंगली डालूं और मैं दोनों उंगलियों को करीब ले आऊं तो आराम से उंगलियां करीब आ जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बीच में जो एंडोपेल्विक फेशिया होगा वो कंडेंस होकर क्या बना देगा, बहुत सारे लिगामेंट्स बनाएगा। अब कौन कौन से लिगामेंट्स बनाएगा, एक जिसको हम कहते हैं लेटरल लिगामेंट, दूसरा जिसको कहते हैं रेट्रो वेसिकल सेप्टम, तीसरा लेटरल रेक्टल लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर, रेक्टो वेसिकल सेप्टम, यानी कि ऐसा सेप्टम जो कि रेक्टम और है ना ब्लैडर के दरमियान में हो, और लेटरल रेक्टल लिगामेंट। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि जो हमारे पास एंडोपेल्विक फेशिया होगी, जो ये वाला रीजन है किसके दरमियान में, ब्लैडर और पैराइटल पेल्विक, विजरल लेयर जो कि ब्लैडर के ऊपर है और पैराइटल लेयर जो कि इस मसल्स के ऊपर है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे जो है ना एंडोपेल्विक फेशिया होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा थिकन हो जाएगी और क्या बना देगी, लेटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर। वो क्या करेगी कि यहाँ पे थिकन एंडोपेल्विक फेशिया हो जाएगी, जैसे एक नॉर्मल फेशिया होती है ना वैसे ये थिकन हो जाएगी, इसकी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस थिकनिंग से होता क्या है, मतलब ये जो हम फेशिया बन रही है तो इससे होगा क्या, तो इससे होगा ये, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन करना, हमें पता है कि ब्लड वेसल्स कहाँ पर होती है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में। अब पेल्विस में तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट ही खत्म हो गया भाई, वहाँ पे तो एंडोपेल्विक फेशिया आ गई, यानी कि सारा का सारा ब्लड वेसल्स हमारे पास किसके अंदर आ गया, हाइपोगैस्ट्रिक शीट के अंदर आ गया, ठीक हो गया, क्योंकि एंटीरियरली हमारे पास एंडोपेल्विक फेशिया बहुत लूज है, पोस्टीरियरली भी लूज है, तो इस हमारे पास एंडोपेल्विक हाइपोगैस्ट्रिक शीट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सारी की सारी ब्लड वेसल्स ऑफ पेल्विस आ जाएंगी, पेल्विस की जितनी ब्लड वेसल्स हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी, हाइपोगैस्ट्रिक शीट के अंदर। अब चूंकि ये लेटरल लिगामेंट बन रहा है, एंटीरियरली जो है हाइपोगैस्ट्रिक शीट का एंटीरियर वाला पार्ट किसका, हाइपोगैस्ट्रिक शीट का, वो क्या बन रहा है, लेटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर। तो इस लेटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर के अंदर हमारे पास क्या होगा कि वो ब्लड वेसल्स रन करेंगी जो कि ब्लैडर को सप्लाई कर रही होंगी, ठीक है। लेटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर के अंदर क्या रन कर रही होंगी, वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लैडर को सप्लाई कर रही होंगी, वो नर्व्स, वो ब्लड वेसल्स जो कि किसको सप्लाई कर रही होंगी, ब्लैडर को। असल में हमारे पास सारी की सारी ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह कहाँ पर है, हाइपोगैस्ट्रिक शीट में। अब हाइपोगैस्ट्रिक शीट से हमारे पास विजरा को सप्लाई करने के लिए रास्ते बनाने, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक शीट यहाँ पे पूरी बनी हुई है, ठीक है। अब इस शीट से हमें क्या करना है, विजराज को ब्लड वेसल्स सप्लाई करनी है। अब सप्लाई करने के लिए हमें क्या बनाने, रास्ते बनाने। सो उन रास्तों को हम नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करते हैं।